हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमोन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड में अब यहाँ पर आपको कोई भी एक नंबर यहाँ पर डायल करना है, ठीक है। कोई भी एक नंबर आप डायल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये नंबर डायल कर लिया है। अब यहाँ पर ये सामने वाला पर्सन मेरी कॉल को रिसीव कर लेगा, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कॉल है वो रिसीव हो चुका है और ये जो काउंटिंग यहाँ पे चलने लग रही है। जब ये काउंटिंग यहाँ पे चलने लगती है ना, तो आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है मोर का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको ऐड कॉल का ये ऑप्शन है, ऐड कॉल पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपका दोबारा से डायल पैड आ जाएगा। अब डायल पैड में आपको कोई दूसरा नंबर यहाँ पर डायल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ना एग्जाम्पल के लिए कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर मैं डायल कर लेता हूँ। आपको कोई भी दूसरा नंबर डायल करना है, ठीक है। तो देखिए मैं कस्टमर केयर नंबर डायल कर लेता हूं। तो ये देखिए, जब ये दूसरा पर्सन भी कॉल को रिसीव कर लेता है, काउंटिंग चलने लगती है ना, तो आपको नीचे ये मोर का ये ऑप्शन टैप करना है। मोर पे टैप करेंगे तो ये पेज आएगा, इसमें आपको मर्ज का ये ऑप्शन है, मर्ज पे टैप करना है, ठीक है। तो ये आपका जो कॉल है वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने फोन में इजिली कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और भी जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये दो नंबर मैंने डायल किया और मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया, तो हम तीनों लोग मिलकर एक ही कॉल लाइन पर बात कर सकते हैं। हम तीनों में से कोई भी एक पर्सन कुछ भी बोलेगा ना, तो बाकी के दोनों लोगों को सुनाई देगा, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है कॉन्फ्रेंस कॉल में, ठीक है। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि यहां पर आप कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए आप सिर्फ जो है दो ही लोगों को नंबर डायल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप चाहे तो और भी नंबर को यहां पे ऐड कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आपको ये डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है, यानी मोर पे, ठीक है। तो आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको ऐड कॉल का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका डायल पैड आ जाएगा। डायल पैड में कोई तीसरा नंबर आपको डायल करना है, जब वो तीसरा पर्सन भी कॉल को रिसीव कर लेगा तो आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको मर्ज का ऑप्शन दिखाई देगा। मर्ज पे टैप करेंगे तो तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है।